नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। पोस्ट इस प्रकार है दोस्तों, प्रिंसिपल डीपीआर एक्सपर्ट 5 पोस्ट, सीनियर हाईवे एक्सपर्ट 5 पोस्ट, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट 5 पोस्ट, ट्रैफिक एक्सपर्ट 5 पोस्ट, एनवायरमेंट कम फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट 5 पोस्ट, लैंड एक्विजिशन एक्सपर्ट 5 पोस्ट, जियो टेक्निकल एक्सपर्ट 5 पोस्ट, ब्रिज एक्सपर्ट 2 पोस्ट, टनल एक्सपर्ट 1 पोस्ट। टोटल कुल मिलाकर 38 पोस्ट है। इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ, हो सके तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को वेतन क्रम मिलेगा 90,000, सिर्फ प्रिंसिपल डीपीआर एक्सपर्ट के लिए 1,60,000 रुपये मिलेगा, बाकी सब पोस्ट के लिए 90,000 रुपये आप लोगों को सैलरी मिलेगा। एक बात शुरुआत में बोल देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जितना भी पोस्ट मांगा गया है, यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला एक्सपीरियंस होल्डर मांगा गया है और ये नोटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं बताने वाला हूँ। एज लिमिट मैक्सिमम 65 ईयर। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कितना साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नहीं बताया गया है दोस्तों। जॉब लोकेशन स्पेशली दिल्ली हो सकता है या फिर इंडिया की अन्य स्थान पे भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन, 21 जून 2024 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 18 जुलाई 2024। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट www.nhai.gov.in। डियर फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है, ये पेज आप लोगों को खुल जाएगा। इस पेज का लिंक मैं आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया। लिंक ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस खुल जाएगा, ये आपका ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसको आपको फिल करना होगा, इसका लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। दोस्तों, नोटिफिकेशन देखते आइए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। पोस्ट डिप्लॉयमेंट न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में होगा। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैंने बोला था कि ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर आपका पोस्टिंग जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे, वहाँ पर आपका पोस्टिंग होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है, देखिए सेकंड कॉलम में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आपका एंगेजमेंट होगा कितना साल के लिए वो नहीं बताया गया है, ठीक है। वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हो दोस्तों। डोमेन एक्सपर्ट, प्रिंसिपल डीपीआर एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट 65 ईयर मैक्सिमम, सबके लिए 65 ईयर ही होगा। स्पेशल एज लिमिट यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है। दोस्तों, प्रोसीड्यूर टू अप्लाई सबमिट, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 18 जुलाई अप्लाई का लास्ट डेट है। लिंक तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड किया, पेज भी दिखा दिया क्या इंटरफेस खुलेगा, बाकी का डिटेल्स ऐसे देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो मेन ज़रूरी चीज़ है, आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल डीपीआर एक्सपर्ट, रोल क्या क्या जॉब करना होगा, उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, उसके बाद सिलेक्शन और डिप्लॉयमेंट, ठीक है। मैं क्वालिफिकेशन वाला पार्ट में जाता हूँ। मिनिमम आपका मैक्सिमम, आपका मैक्सिमम एज लिमिट 65 ईयर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को लेवल 13 अथवा लेवल 14 में या फिर इसके बराबर इक्विवेलेंट ऑफिसर होना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस ऑफिशियल, जैसे कि MORTH अथवा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अथवा PWD से होना चाहिए। अगर है तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं है आप लोगों के लिए और देखें। अगर आप डायरेक्टर या फिर हेड ऑफ DPR प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन प्राइवेट में, अगर आप आपके पास 15 साल जॉब करने का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अब अलग एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल दिया गया 10 ईयर ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, इसमें सर्विंग टेक्निक टेक्निक्स एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों, सीनियर हाईवे एक्सपर्ट। सीनियर हाईवे एक्सपर्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सिविल इंजीनियर। सेकंड ऑप्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अथवा हाईवे इंजीनियरिंग, और साथ में आपको 15 साल 15 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, वर्तमान में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आपको, उसके यूजेज में एक्सपीरियंस और
नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रूट सेफ्टी एक्सपर्ट, सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, 15 डेज रूट सेफ्टी ऑडिट कोर्स आपको करना होगा, अथवा एनी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन IAHE इंस्टीट्यूशन से, अथवा किसी भी सेटिस्फाइड अप्रूव्ड जो कि MORTH के द्वारा अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से, ये 15 दिन का रूट सेफ्टी ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। बाद में साथ में 15 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। 3 नंबर पर ट्रैफिक एक्सपर्ट, सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रैफिक इंजीनियरिंग अथवा ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग अथवा ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, और साथ में 15 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। 4 नंबर पर एनवायरनमेंट अथवा फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट, सिविल इंजीनियरिंग अथवा एनवायरनमेंट इंजीनियर आपका डिग्री, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग अथवा एनवायरनमेंटल साइंस, और साथ में 15 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। लैंड एक्विजिशन एक्सपर्ट, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन पे ग्रेजुएट होने से होगा, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ प्रिफरेबली, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लॉ से तो आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा, पहले पसंद किया जाएगा, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद जियो टेक्निकल एक्सपर्ट, सिविल इंजीनियरिंग अथवा MSc जियोलॉजी, मास्टर्स इन फाउंडेशन इंजीनियरिंग अथवा सोयल मैकेनिक्स अथवा PhD इन जियोलॉजी अथवा जियो टेक्निक इंजीनियरिंग होने से आप अप्लाई कर सकते हो। 10 साल रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहाँ से मांगा गया है देख लीजिए। ब्रिज एक्सपर्ट नेक्स्ट पोस्ट, 7 नंबर ब्रिज एक्सपर्ट सिविल इंजीनियरिंग, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अथवा ब्रिज इंजीनियरिंग, 15 साल का एक्सपीरियंस। 8 नंबर टनल एक्सपर्ट, टनल एक्सपर्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और 15 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर आपका सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है, पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 90,000 पर मंथ, यहाँ पर महीने में कितना मिलेगा देख सकते हैं पर एनम। मैक्सिमम रिम्यूनरेशन कंसीडर, मैक्सिमम मंथली रिम्यूनरेशन कंसीडर, फिक्स्ड पेमेंट पर मंथ 1,60,000, बाकी जितना है सॉरी फ्रेंड्स, देखिए मैक्सिमम मंथली रिम्यूनरेशन कंसीडर्ड, ये कॉलम आपके लिए जरूरी है वो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है, आप लोगों को फिक्स्ड पे मिलेगा, कितना मिलेगा 1,60,000 मिलेगा प्रिंसिपल DPR को, और बाकी जितना भी उनको 90,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, बाकी डिटेल्स देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, इसलिए जूम करना पड़ा और नहीं है दोस्तों। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरी तरफ से आप लोग के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।